छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट होगा। 9 फरवरी को ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। विधानसभा में 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। सत्र की औपचारिक शुरुआत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र में 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले आने वाले छत्तीसगढ़ बजट में कई योजनाओं की सौगात मिल सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन ही पूर्ववर्ती बघेल सरकार पर सिस्टम बिगाड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का ये ऐतिहासिक बजट होगा। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है, और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार थी उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुँचाया, अपने ATM में ज़्यादा पैसा पहुँचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचाया। इसलिए रिफॉर्म एजेंडास के प्रति हम पूर्णतः समर्पित हैं और इन रिफॉर्म एजेंडास के आधार पर मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में राजस्व आय में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और उसके अनुरूप एक श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्था, एक बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सिस्टम बिगाड़ने के आरोपों के बाद सियासत तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर मोदी की गारंटी की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान अब तक नहीं मिल पाया है। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो मातारी वंदना योजना का पैसा तो मिला नहीं, दूसरा 3100 रुपया भी अभी किसी किसान को नहीं मिला, और तीसरी बात जो 15-16, 16-17, 17-18 के बोनस की बात सरकार ने कही थी लेकिन किसानों को दिया गया 14-15, 15-16 वो भी किसी किसान को 2 साल का मिला है, किसी को 1 साल का मिला है, किसी कितने किसान हैं जिसको मिला भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो बोनस की राशि उसको नहीं मिल पाया है। तो ये जो मोदी जी की गारंटी का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार लगातार उस गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। बजट सत्र में चर्चा के साथ ही लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी तैयारी है। सरकार बनने के 1.5 महीने बाद आने वाले वित्तीय वर्ष से लिए आ रहे बजट को लेकर विपक्ष ने भी काफी सवाल लगाए हैं। यही वजह है कि सत्र के पहले दिन ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप लग गया है। इससे यही उम्मीद है कि विपक्ष के सरकार को घेरने की रणनीति को फेल करने सत्ता पक्ष में भी काफी तैयारी कर रखी है। विपक्ष के विधायकों की ओर से सरकार बनने के बाद कैबिनेट के फैसलों और इसके क्रियान्वयन को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति है, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी पिछली सरकार की योजनाओं को लेकर बम्पर सवाल लगा रखा है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।